please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. और बड़ी खबर रवि सिंह दिल्ली से दे रहे हैं। आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत ने देश के उत्तर पूर्व में सीमा सुरक्षा को लेकर दिल्ली में हुए एक सेमिनार में घुसपैठ को बड़ी समस्या बताते हुए दावा किया कि असम में ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेट फ्रंट यानी AIUDF पिछले सालों में बीजेपी के मुकाबले तेजी से बढ़ी है, जिसे गंभीरता से समझने की जरूरत है। AIUDF, if you look at, they have grown in a faster time frame than with the BJP grew over the years. When we talk of, you know, the Jansang with two members of parliament and where they have reached, the AIUDF is moving at a faster pace in the state of Assam. रवि सिंह हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। रवि, जनरल बिपिन रावत का ऐसा कहना किस तरफ इशारा करता हुआ? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि पूर्वोत्तर के राज्यों को लेकर कल एक सेमिनार था जिसमें आर्मी चीफ ये बयान दे रहे थे, और क्योंकि ऐसा माना जाता है कि AIUDF मुस्लिम पैरोकारी करता है, ये जो पार्टी है, और सबसे बड़ी बात यह है कि बांग्लादेशी जो घुसपैठ है, बांग्लादेश से तमाम जो अवैध तरीके से घुसपैठ किया जा रहा है आसाम और खासकर के पूर्वोत्तर के राज्यों में, जहां पर इनका कहना था आर्मी चीफ का कि आइडेंटिफाई करना बेहद ही मुश्किल है कि कौन कहां से आया है, और उसी का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा था कि 1980 में जो शुरू हुई बीजेपी, उसकी तुलना में इस पार्टी का ग्रोथ बहुत तेजी से बढ़ा है। डेवलपमेंट भी एक बड़ा मुद्दा है इन राज्यों में, जिसको लेकर सरकार सही दिशा में काम कर रही है, उसी को लेकर ओएसी ने इस तरीके का बयान दिया है। आपको याद होगा कि ओएसी का आर्मी को लेकर इससे पहले भी तमाम बयान आए थे, सुंदरवान में जो आतंकी हमला हुआ था उसको लेकर भी उन्होंने बयान दिया था कि आखिर में 5 मुस्लिम जो सैनिक है वो मारे गए, शहीद हुए हैं, तो उस पर भी आर्मी की तरफ से उन पर पलटवार हुआ था। शुक्रिया रवि। दिल्ली की 30,000 कोर्ट के बाहर पुलिस का भारी बंदोबस्त दिखाई दिया। यह बंदोबस्त मुख्य सचिव अंशु प्रकाश से मारपीट के आरोपी आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्ला खां और प्रकाश जारवाल की पेशी के लिए था, जिन्हें कोर्ट ने एक दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। हालांकि दिल्ली पुलिस ने कोर्ट से दोनों विधायकों की 2 दिन की रिमांड की मांग की, जिसका आम आदमी पार्टी के विधायकों ने विरोध किया और कोर्ट से जमानत की गुहार लगाई, लेकिन कोर्ट ने दोनों विधायकों को 1 दिन के लिए जेल भेज दिया। कोई रिकवरी नहीं होनी थी तो कोर्ट ने कह दिया कि पुलिस कस्टडी रिमांड नहीं बनता। दोनों विधायकों की जमानत याचिका पर कोर्ट गुरुवार को सुनवाई करेगी। कल 3:30 पे बेल एप्लीकेशन पे हियरिंग होगी। मुख्य सचिव अंशु प्रकाश से मारपीट के मामले में आरोपी विधायकों में एक प्रकाश जारवाल की गिरफ्तारी पहले ही पुलिस देवली इलाके से कर चुकी थी, लेकिन दूसरे आरोपी विधायक अमानतुल्ला खां को गिरफ्तार करने में दिल्ली पुलिस नाकाम रही, लिहाजा इस मामले में केजरीवाल सरकार को घिरता देख अमानतुल्ला खां खुद सामने आए और जामिया नगर पुलिस स्टेशन जाकर सरेंडर किया, जिसके बाद पुलिस अमानतुल्ला खां को सिविल लाइन्स थाने लेकर गई। अमानतुल्ला खां इस वक्त निकल चुके हैं अपने घर से और अब ये पुलिस के पास जा रहे हैं। सरेंडर से पहले News18 India से बातचीत में अमानतुल्ला खां ने अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज किया। सब गलत है, साजिश का नतीजा, कुछ नहीं किया हमने चीफ सेक्रेटरी। लगे हाथ आम आदमी पार्टी के विधायक ने मुख्य सचिव अंशु प्रकाश पर ही बीजेपी और केंद्र सरकार के इशारे पर काम करने का आरोप लगा दिया। हालांकि आम आदमी पार्टी विधायकों के आरोपों पर अंशु प्रकाश ने खुलकर कुछ नहीं कहा, लेकिन मारपीट की घटना के बाद उनकी मेडिकल जांच रिपोर्ट सामने आई, जिसमें अंशु प्रकाश के माथे की दाई ओर चोट के निशान का जिक्र है। साथ ही अंशु प्रकाश के दोनों कान के पीछे और दाएं गाल पर सूजन का जिक्र भी मेडिकल रिपोर्ट में है। इसके अलावा होठों पर भी चोट के निशान की बात कही गई है। दिल्ली पुलिस का हमारा फोकस्ड रोल है, वो रोल हम प्रोफेशनल तरीके से अदा करेंगे। वहीं मुख्य सचिव अंशु प्रकाश के साथ हुई घटना का कई राज्यों की IAS एसोसिएशन ने विरोध तेज कर दिया और इस मसले पर केजरीवाल सरकार से माफी की मांग की। दिल्ली के नारायणा थाने में पुलिस हिरासत में एक आरोपी की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने भागने के लिए थाने की दूसरे मंजिल से छलांग लगा दी, जिसके अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतक दलवीर के परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने पहले पिटाई की और फिर छत से फेंक दिया। मृतक के परिवार ने पुलिस से पैसे मांगने का भी आरोप लगाया। पुलिस वालों का कॉल आया था कि आपके पिताजी के अगेंस्ट जो है 420 का एक केस लगा है, आप यहाँ आ जाओ। जो IO थे इस केस के, वो आके बताते हैं कि आपके पिताजी यहाँ से गिर गए हैं। पुलिस कस्टडी में कोई जो भी मुजरिम था वो कैसे गिर सकता है।
दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय माकन मीडिया की मौजूदगी में एलजी अनिल बैजल से मिलने पहुंचे। एलजी से मुलाकात में कांग्रेस ने केजरीवाल सरकार और मुख्य सचिव अंशु प्रकाश के बीच चल रहे घमासान का मसला उठाया, जिसे लेकर सियासी आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। इसीलिए एलजी अनिल बैजल से मुलाकात के बाद कांग्रेस नेता अजय माकन ने मुख्य सचिव अंशु प्रकाश के आरोपों के बहाने केजरीवाल सरकार पर हमला बोला। चीफ सेक्रेटरी को जानबूझ करके बुलाया जाता है और उसके साथ में हाथापाई करी जाती है ताकि लोगों का ध्यान अपने विफलताओं से केजरीवाल हटा सके। कांग्रेस नेताओं के इस दल में शामिल दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने केजरीवाल सरकार को अधिकारियों से माफी मांगने की नसीहत दी। अपोलोजाइज करना चाहिए पूरे सिविल सर्विस को कि ये आगे कभी नहीं होने देंगे। एलजी अनिल बैजल से कांग्रेस नेताओं की मुलाकात से ठीक पहले बीजेपी नेताओं का दल भी एलजी से मिलने पहुंचा, जहां बीजेपी नेताओं ने दिल्ली सरकार की शिकायत अनिल बैजल से की। न्यूज 18 इंडिया से बातचीत में दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा, लेकिन मुख्यमंत्री को घेरने के चक्कर में वो सीमा लांग गए। मुख्यमंत्री आतंकी किस्म का व्यक्ति है। विपक्ष के हमले का जवाब देने में आम आदमी पार्टी ने भी देर नहीं लगाई और सबसे पहले मुख्य सचिव से मारपीट के आरोप को खारिज किया। जो वीडियो फुटेज बाहर आया है जिसमें मुख्य सचिव महोदय आगे जा रहे हैं और नितिन त्यागी उनको पीछे से समझा रहे हैं, कोई गुस्सा कोई नाराजगी दिख रही है जिसमें दिख रहा हो कि उनके साथ कोई मारपीट जैसी घटना हो गई। हालांकि आम आदमी पार्टी ने माना कि मुख्य सचिव के साथ बैठक में राशन के मसले पर बहसबाजी जरूर हुई थी। आम आदमी पार्टी का दावा है कि उल्टे दिल्ली सचिवालय के अंदर सरकार के मंत्रियों से मारपीट की गई। आम आदमी पार्टी ने उनकी सरकार पर सवाल उठाने वाली केंद्र सरकार पर पलटवार किया और केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह को सवालों के जरिए निशाने पर लिया। क्या दिल्ली के अंदर एक अराजकता की स्थिति पैदा करना चाहता है केंद्र सरकार? न्यूज 18 इंडिया से बातचीत में आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह ने मुख्य सचिव अंशु प्रकाश की मंशा पर सवाल उठाए। मुख्य सचिव जी इतने अनजान हैं, कोई मारपीट अगर होगी तो 3 दिन तक वो इंतजार करेंगे क्या एमएलसी कराने के लिए? आम आदमी पार्टी का दावा है कि सरकार ने जरूरतमंदों को राशन न मिलने पर बैठक बुलाई थी, जिस पर मुख्य सचिव जानबूझकर विवाद खड़ा कर रहे हैं। दिल्ली की 30,000 कोर्ट आज आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्ला और प्रकाश जायसवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई करेगी, जिसकी न्यायिक हिरासत आज खत्म हो रही है। पुलिस ने दोनों विधायकों की 2 दिन की रिमांड मांगी थी। दोनों विधायकों पर दिल्ली के मुख्य सचिव के साथ मारपीट का आरोप है। दूसरी ओर बीजेपी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम को भी हिरासत में लेने की मांग की। बड़े स्तर की जांच के बाद जैसी बातें सब आई हैं, अगर वही हैं, तो निश्चित रूप से सरकार को अब सस्पेंड करना चाहिए, क्योंकि नैतिकता की कोई भी चीज इनसे अपेक्षा आप नहीं की जा सकती है। जल्द ही दिल्ली के लोगों को अपनी गाड़ी सड़क पर पार्क करने के लिए सरकार से इजाजत लेने की जरूरत होगी। इतना ही नहीं, 2 गाड़ी रखने वाले लोगों के लिए तो मुश्किलें और भी बढ़ने वाली हैं। ये प्रावधान दिल्ली में पार्किंग को लेकर बनाई गई नई नीति में किए गए। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली मेंटेनेंस एंड मैनेजमेंट ऑफ पार्किंग रूल्स को अंतिम रूप दे दिया गया है, जिन्हें जल्द ही कानून की शक्ल मिल जाएगी। इस नीति में प्रावधान है कि अपनी गाड़ी सड़क पर पार्क करने के लिए सरकार की एजेंसियों से इजाजत लेनी होगी। इतना ही नहीं, अगर किसी के पास 2 गाड़ियां हैं तो दूसरी गाड़ी की पार्किंग के लिए जगह सरकार से नीलामी के जरिए खरीदनी पड़ेगी। पार्किंग की ये नई नीति बढ़ते प्रदूषण की वजह से बनाई गई है। सरकार की कोशिश है कि पार्किंग को महंगा करके ज्यादा गाड़ियां खरीदने से रोका जाए। इस नई नीति के तहत दिल्ली के हर इलाके में उन जगहों की पहचान की जाएगी जिन्हें गाड़ियों की पार्किंग के लिए चुना गया है। सड़कों पर बेतरतीब ढंग से गाड़ियां पार्क करने वालों पर कड़ा जुर्माना लगाया जाएगा। पार्किंग की तयशुदा जगहों पर पार्किंग फीस को 4 गुना कर दिया जाएगा और ये पार्किंग फीस घंटों के हिसाब से होगी। यानी अगर आपने 1 या 2 घंटे से ज्यादा गाड़ी पार्किंग में लगाई तो पार्किंग की फीस से ही आपका बजट बिगड़ सकता है। लेकिन इस नीति में इलेक्ट्रिक बाइक की पार्किंग फ्री करने की सिफारिश की गई। ऐसा इसलिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीदें। आप विधायक के जेल जाने के बाद भी दिल्ली में सरकार और अफसर शाही के बीच तनातनी कम होने का कोई संकेत नहीं दिख रहा। आईएएस संगठन ने दोहराया कि जब तक मुख्यमंत्री ये भरोसा नहीं दिलाते कि भविष्य में अफसरों से बदतमीजी नहीं होगी, तब तक वो मुख्यमंत्री की किसी भी मीटिंग में नहीं जाएंगे। हालांकि दफ्तरों में काम बंद नहीं करेंगे।